फ्रेंड्स, वेलकम शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक, हेल्दी और झटपट बनने वाली टेस्टी रेसिपी। यह है रेडिश सलाद, मूली का सलाद। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को हिट कीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 60 ग्राम मूली जो है कद्दूकस करके ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक पिसा हुआ सिंगदाना यानी रोस्टेड पीनट पाउडर 4 चम्मच, धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच और थोड़ा सा हम रख लेंगे गार्निश के लिए। तो अब हम अगला स्टेप है हमारा, हम जो है झोंक लगाएंगे। तो पैन को मैंने प्रीहीट कर लिया है। तो पैन गर्म होते ही हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच। आप चाहे तो पूरी तरह से हेल्दी चाहते हैं तो ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच राई। राई जो है क्रैकल होने के बाद हमने जो धनिया रखा था वो ऐड कर लिया मैंने। यहाँ मैं 1 ड्राई चिली ऐड कर रही हूँ, रेड ड्राई चिली। कड़ी पत्ता 4 से 5 पत्ते और हींग 1 चुटकी हींग। तो देखिए ये हमारा गार्निश तैयार हो गया है। तो अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं हमारे सलाद को और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो तैयार है हमारी रेसिपी, बहुत ही ईजी है, झटपट है। अगर आप इसे रायता की तरह खाना चाहें तो इसमें आप दही ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप पराठा, रोटी, इवन आप एज अ साइड डिश चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो यूनिक रेसिपी है। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस क्वेरीज लिखकर पूछना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक, हेल्दी, यूनिक और झटपट बनने वाली टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।